अब यहाँ पर इसको हम खोल देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो हम यहाँ पर इसको हिसाब से घुमा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और आज हम यहाँ पर एक एडजस्टेबल पाना बनाने वाले हैं। अब आपको अलग अलग साइज के पाने लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पाना हमारे सारे काम कर देगा। इसके जो डिजाइन है वो बिल्कुल सिंपल से बनाई है, जैसे मार्केट में मिलता उसी टाइप का, और बिल्कुल ऐसा लगने वाला है जैसे हमने मार्केट से ही खरीदा इसको। एक मैंने इससे बड़ी साइज का भी बनाया था, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि विशाल भाई एक छोटा वाला बनाओ जिसे हम कहीं पे भी ले जा सके, कहीं पे भी रख सके। ये वाला प्रोजेक्ट आपके 1500 से 2000 रुपए तक बचा सकता है, क्योंकि आप छोटी साइज का जो पाना है उससे बड़ी साइज का पाना तक जो सेट लोगे उसमें 1500 से 2000 रुपए आपके हो जाते हैं। ये पैसे आपके बचने वाले हैं यहाँ पर। तो चालू करते हैं इस वाले वीडियो को। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे भाइयों तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए नए प्रोजेक्ट बनाने में। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना इसी टाइप के नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर। तो भाइयों, हमें सबसे पहले एक चौकोर लोहे का सलिया चाहिए, जो कि आपको लोहे के गेट बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोहे के पलंग बनाए जाते हैं वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, या फिर कबाड़े के अंदर से भी लेके आ सकते हो। अब यहाँ पर इसके 20 सेंटीमीटर का एक पीस लेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक पीस और 3 सेंटीमीटर के दो पीस लेने वाले हैं। अब यहाँ पर एक नट बोल्ट लेंगे थोड़ी बड़ी साइज का, और आप देख सकते हो ये आपको हार्डवेयर शॉप पर इजीली मिल जाएगा 20 रुपये के अंदर, तो ये आप ले लीजिए। उसके बाद 7 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। तो भाइयों, अभी लाइट नहीं आ रही है, सारा का सारा सिस्टम इन्वर्टर पे बैठा हुआ है, तो मशीन तो चल नहीं सकती। यहाँ पर मैंने हेक्सा ब्लेड का यूज़ किया है इसको कट करने के लिए। तो फाइनली अब यहाँ पर इसको कट करने के बाद में हम यहाँ पर फाइल लेंगे और वापस इसको ऊपर से घिसना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर इसको ग्राइंडर से भी घिस सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसको काफ़ी देर से घिस रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ये चपटा होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ इसको घुमाएंगे और वापस से इसको घिसना स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर सारा काम हाथ से करना पड़ा इतनी देर तक। अब फाइनली हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रू जो है बिल्कुल ऊपर और नीचे से फ्लैट हो चुका है, और दोनों तरफ से बराबर इसको फ्लैट करना है आपको। अब जो आप देख सकते हो नट बोल्ट जो है, अब बोल्ट दिख रहा है ये हाथ में, क्या बोलते हैं इसको, नट या बोल्ट में दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है हमारे हमेशा, आपको पता है। तो इसको लेंगे और हम ग्राइंडर मशीन से इसको गोल कर देंगे। अब लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राइंडर चालू हो चुका है, अब यहाँ पर इसको गोल कर देंगे। फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा एक गोल हो चुका है और एक रिंग टाइप का हो चुका है डिज़ाइन इसका। अब यहाँ पर हम वापस से ग्राइंडर लेंगे और इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो लीजिए भाइयों, ये यहाँ पर हमारी रिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसको दे सकते हो, जो कि अगर आपके पास हो तो। हमारे पास तो नहीं है, तो हम यहाँ पर हमारा जुगाड़ी बनाएंगे इससे। और ये जो बिल्कुल मार्केट से लाते हैं ना हम हमारा एग्जिस्टेबल पाना, उसकी जो रिंग होती है उसी टाइप का बन चुका है। अब यहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी होगी, तो सबसे लंबा वाला ले लेंगे, उसके बाद छोटा वाला जो सलिया है उसको ले लेंगे, और इनको जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से यहाँ पर वेल्डिंग करना है। अगर आपके पास वेल्डिंग मशीन नहीं है, तो आप अपने पड़ोस में जा सकते हो जहाँ पर वेल्डिंग मशीन हो, और वहाँ से वेल्डिंग करवा सकते हो इसके अंदर। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना यार भाइयों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में। अब यहाँ पर इसको घिसाई कर देंगे जहाँ पर हमने वेल्डिंग की थी, और जहाँ पर इसमें जंग लगा हो वहाँ पर सबको इसको घिस कर चिकना कर देंगे। तो भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है, और जो भी जंग लगी हुई थी सारी की सारी जंग हमारी खुल चुकी है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो नट बोल्ट जो था हमारा नीचे का स्क्रू जहाँ पर लगाया था उसको भी हमने घिस दिया अच्छे से, और यहाँ पर ये इस टाइप से ऊपर नीचे की साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आगे साइड में 10 सेंटीमीटर का था पीस हमारे, उसको रखेंगे यहाँ पर, और इसको जितना आपको चौड़ा रखना है, जितना कितना आगे तक खोलना है आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी जो रिंग है इस रिंग को यहाँ पर रखेंगे और एक मार्किंग ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर कट लगाना होगा आगे और पीछे वाला जो पार्ट है इसके ऊपर, ताकि रिंग हमारी यहाँ पर मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर मैं मार्किंग लगा दूंगा और ग्राइंडर से इसको कट कर देंगे।
भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा कट लग चुका है इसके अंदर, और ये आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तिरछा हो। और 10 सेंटीमीटर का जो पीस था इसको मैंने और कट कर दिया है यहाँ पर, लगभग यहाँ पर मैंने 3 से 4 सेंटीमीटर रखा है, और यहाँ पर इसको हम आगे की साइड में इस टाइप से लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो ये बराबर होल कर दिया है, और ऊपर की साइड में एक लोहे की मैंने शीट कट करी है, और यहाँ पर इसको इस टाइप से रख देंगे, और यहाँ पर इसका पूरा एक मार्किंग ले लेंगे हम। और आपको ध्यान रखना है जो लोहे की शीट यूज़ कर रहे हो आप, थोड़ी मोटी वाली यूज़ करना, क्योंकि इसके ऊपर लोड पड़ने वाला है। अगर पतली वाली यूज़ करी तो हमारा जो है सिकंजा जो है मतलब जो हमारा पाना है टूट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा मार्किंग लग चुका है, अब इसको कट कर लेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कट लगा दिया इसके अंदर, और इसी टाइप के हमें दो बनाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे की साइड में। तो मैंने यहाँ पर दो बना लिए हैं। अब यहाँ पर एक तो हम नीचे की साइड में रख देंगे, और हमारा जो पूरा सेट है उसको यहाँ पर लगा देंगे एक रिंग अंदर की साइड में लगाने के बाद में, और सारा इसको सेट कर देंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से पकड़ लेंगे हम, और यहाँ पर इसका ना वेल्डिंग करनी होगी। तो वेल्डिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि रिंग जो है बिल्कुल हमारी घूमनी चाहिए, हमारे मतलब वेल्डिंग का टाँका नहीं लगना चाहिए इस रिंग के ऊपर, क्योंकि अगर रिंग अगर जाम होगी हमारी तो हमारा पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। रिंग हमारी काम करनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल ध्यान से, और इसको पूरा हमें वेल्डिंग कर देना है, कहीं से भी इसको छोड़ना नहीं। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो मैंने वेल्डिंग कर दी है, और आपको मतलब मैंने बोला ना कि पूरा वेल्डिंग करना, इसका मतलब ये नहीं कि रिंग रिंग सब कुछ वेल्डिंग कर देना, जो मूवमेंट करने वाले जो पार्ट है ऊपर नीचे वाले इनको हमें यहाँ पर छोड़ना है वेल्डिंग में। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लैंडेसेस को बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। फाइनली भाइयों ये पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरीके से घिसाई कर दी है, कहीं पे भी वेल्डिंग का निशान नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर थोड़ा पॉलिश कर दिया है मैंने ताकि ये जो है बिल्कुल नया जैसा चमक जाए। अब यहाँ पर ये जो है व्हील है इसको हम इस टाइप से घुमाएंगे तो ऊपर और नीचे की साइड में होगा, तो हम यहाँ पर इसकी साइड को एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या अटक तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे ना थोड़ा सा, जिससे क्या होगा एक स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर मैं हल्का सा ऑयल डाल दूंगा इसके अंदर, हो सके तो आप ग्रीस भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, वरना ये क्या है कि बाद में धूल पकड़ेगा, हल्की हल्की सी इसमें अंदर ऑयल डाल दें। तो पूरा ओपन करने के बाद पीछे की साइड से भी इस बोल्ट के ऊपर यहाँ पर नट के ऊपर अच्छे से ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल डाल दिया ना तो यहाँ पर एक उंगली से भी घूम सकता है इस टाइप से, देख तो कितना आराम से घूम रहा है। अब ये ना बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई से भी साइज का नट बोल्ट होगा ना उसको इस टाइप से रखिए और इसको इस टाइप से घुमा दीजिए, इसके ये साइज का हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर साइज का हो गया, किसी को भी नट बोल्ट को खोल देगा। इससे बड़ी साइज का होगा तो इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा होगा तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा वाला है तो इसको वापस इस टाइप से लेंगे और यहाँ पे इस टाइप से घुमा देंगे, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अब यहाँ पर इसको हम खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। किसी भी टाइप के नट बोल्ट जो होगा ना इजीली ये पकड़ लेगा यहाँ पर इस टाइप से, देखो। तो ये क्या है कि एडजस्टेबल हो गया, किसी भी छोटी साइज का बड़ी साइज का कोई भी पकड़ सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं सिकंजे के अंदर दबाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको सिकंजे में इस टाइप से दबाकर यहाँ पर मोड़ दूंगा, ठीक है। ये अच्छे से टाइट कर दूंगा मैं ताकि आपको पूरा अच्छा दिखे, ठीक है। ये देख सकते हो इतना ज़्यादा टाइट है कि खिल भी नहीं रहा है यहाँ से। तो फाइनली अब यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से पकड़ लूँगा, फाइनली ये इजीली यहाँ पर पकड़ने में आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम घुमाएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखिए ये नीचे का सिकंजा जो है ये घूमने लगा है नीचे से, देखिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पर भी यहाँ पर मैंने ज़ोर से पकड़ रखा है इसको, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही, लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा इसके अंदर से। भाई साहब ताकत तो बहुत लगा रहा है यार ये, देखो पूरा आटे नीचे से स्लिप कर दिया इसने, पूरा आटे स्लिप कर दिए, ये निकाल दिया नीचे से इसने नट बोल्ट के हाथ, हालत देखी नीचे से क्या कर दी। अब भाई यहाँ पर मेरे पास एक मोटर है और इस मोटर के अंदर ये नट जो है जंग लग चुका है, ये खुलने वाला नहीं, तो यहाँ पर इसको हम खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको रखेंगे और इस टाइप से सेट कर देंगे। काफ़ी छोटा सा नट है लेकिन ये जो है ईजिली इसके अंदर आ जाएगा, फाइनली आ चुका है। अब यहाँ पर टाइट कर दिया मैंने, अब यहाँ पर इसको हम खोल देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारा नट इसने खोल दिया, ईजी टू यूज़ है, आराम से इसने खोल दिया। यहाँ पर वापस से इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कस दूंगा मैं पहले हाथ से जितना चाहिए उतना। अब यहाँ पर ये जा नहीं रहा अंदर की साइड में, वापस इसको थोड़ा ढीला करेंगे, वापस टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से घुमा देंगे,
फाइनली गाइज ये इजीली यहाँ पर टाइट हो चुका है, पूरा टाइट कर दिया मैंने इसको। फाइनली यहाँ पर टाइट हो गया पूरा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि आप इतनी बड़ी साइज तक का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर नट बोल्ट, ठीक है, देख सकते हो इतनी बड़ी साइज का नट बोल्ट भी इसके अंदर आ जाएगा इजीली। लेकिन आप चाहते हो कि इससे बड़ी साइज का हमारे पास नट बोल्ट है जो इसे खोलना है हमें, तो यहाँ पर क्या ये छोटे काम के लिए आ जाएगा यूज़, ईजी टू यूज़ है, छोटा सा पकड़ने में आ जाएगा, कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि बड़ी साइज का, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना रखा है। आप ये देखिए ये जो बड़ी साइज का है हमारे पास, और ये जो है काफ़ी बड़े काम भी कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हो इतनी बड़ी साइज का नट बोल्ट ये खोल सकता है, और इधर की साइड में छोटी वाला भी खोल देगा, ये दो हो जाएगा इजीली। लेकिन ये बनाने का कारण क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और भारी भी है, तो हम इसको कहीं भी ले जा नहीं सकते, काफ़ी वजन भी है इसके अंदर, पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये बड़े बड़े काम में होता है। लेकिन ये छोटी साइज का जो है हमारा छोटे काम कर सकता है इजीली। अब इसके अंदर भी यही फंक्शन है। अब यहाँ पर इस टाइप से इस पहिए को घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर एक शाफ्ट है, ये इधर की साइड में निकलती है और इधर की साइड में निकलती है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये शाफ्ट यहाँ पर निकल जाएगी, और ये किसी भी छोटे साइज से नट बोल्ट को भी पकड़ सकता है और बड़ी साइज के नट बोल्ट को भी पकड़ सकता है। अब इधर की साइड में मैं इस स्क्रू घुमा रहा हूँ, इस पहिए को घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हो ये शाफ्ट निकल रही है। इसके अंदर आप इतनी बड़ी साइज का नट बोल्ट भी पकड़ सकते हो इजीली, और यहाँ पर ये इसको एडजस्टेबल कर सकते हो और यहाँ पर खोल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इतनी बड़ी साइज का, और वजन भी काफ़ी है। अब यहाँ पर आप देखते हो छोटी साइज का पकड़ सकते हो इससे। तो अगर ये बनाना है आपको, तो इसका भी वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, जो अपने यूट्यूब चैनल पर है, और अभी हाल उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो उसी के बाद मैंने ये वाला भी बनाया छोटा वाला। ठीक है भाई, ये वाला जो है आपका 5000 रुपये बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी साइज से लेकर इतनी बड़ी साइज का नट बोल्ट भी खोल सकता है। तो यहाँ पर क्या, छोटी साइज से लेकर बड़ी साइज का पाना पूरा का पूरा सेट लाओगे, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का पूरा सेट आएगा आपको। और ये वाला आप देख सकते हो, ये जो आपके 1000 रुपये के आसपास बचा देगा, क्योंकि छोटी साइज का लाओगे, इतनी बड़ी साइज का लाओगे तो पूरा एक सेट आता है, उसको ले जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, कहीं कैरी करना भी ज्यादा मुश्किल है, उसके बाद में पैसे भी बच रहे हैं हमारे, और देख सकते हो पूरा पूरा हमने मार्केट जैसा इसको बना दिया है। फाइनली भाइयों, आप सभी ने देखा भी हाल कि हमारा जो है यहाँ पर काफी अच्छे से पाना काम कर रहा है, छोटी साइज से लेकर बड़ी साइज का हमारा नट बोल्ट भी इजिली ओपन कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके 1500 से 2000 रुपए बच चुके हैं, क्योंकि आप छोटी साइज का जो पाना है उससे बड़ी साइज का पाना, इसके जो बीच में जितने भी सेट है सारा का सारा परचेस करोगे तो लगभग 1500 से 2000 रुपए लग जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके बच चुके हैं। ये एडजस्टेबल है, छोटी साइज का है, आप गाड़ी के अंदर भी रख सकते हो या फिर अपने टूल किट के अंदर भी इसको इजिली रख सकते हो। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला प्रोजेक्ट, अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।